नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के इस 25वें लेक्चर में। आज के सिल्वर जुबली लेक्चर के अवसर पर हम देखेंगे कैंटिलीवर ट्रस की प्रॉब्लम। तो आइए देखते हैं ये कैंटिलीवर ट्रस हम कैसे सॉल्व करते हैं। प्रेजेंट प्रॉब्लम एक कैंटिलीवर ट्रस है। कैंटिलीवर ट्रस में एक खास बात यह रहती है कि हमको सपोर्ट रिएक्शंस नहीं निकालने पड़ते हैं। सपोर्ट रिएक्शंस नहीं निकालने पड़ते हैं तो हम कैसे शुरुआत करेंगे? जो इसका फ्री एंड होता है वहां से हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो ये जो कैंटिलीवर ट्रस है ए बी सी डी, इसके दो तीन पॉइंट्स पर तीन पॉइंट लोड लगे हुए हैं, 500 न्यूटन का, 1000 न्यूटन का और 1000 न्यूटन का। चलिए अब देखते हैं इस प्रॉब्लम को और इसको सॉल्व करते हैं। तो ये एक ट्रस है कैंटिलीवर, यहां पर ये वॉल से माउंटेड है और इसका डी एंड फ्री है। यहां पर आप देखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी, ये छह मेंबर से घिरा हुआ है। कैंटिलीवर ट्रस में हमको इसका परफेक्शन भी चेक नहीं करना पड़ता है, जो कि हम अपने सिंपली सपोर्टेड और हिंज्ड और रोलर सपोर्टेड में चेक करते हैं। यहां उसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ती, सीधा हम फ्री एंड से शुरू करेंगे। जैसे यहां पर हमारा फ्री एंड है डी, यहां से हम शुरू करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमको यह एंगल जो है थीटा और यह एंगल अल्फा निकालना पड़ेगा। और ये जो थीटा है आप देख सकते हैं, जो एडी लाइन है, एडी लाइन एक ट्रांसवर्सल है इस पैरेलल लाइन, इस पैरेलल लाइन और इस पैरेलल लाइन के बीच में। तो जो एंगल थीटा है, यहां पर भी ये एंगल थीटा आएगा, यहां पर भी एंगल थीटा आएगा, यहां पर भी एंगल थीटा आएगा, यहां पर भी एंगल थीटा आएगा। मतलब ए बी लाइन हॉरिजेंटल से थीटा का एंगल बनाएगी, बी सी लाइन हॉरिजेंटल से थीटा का एंगल बनाएगी और सी डी लाइन भी हॉरिजेंटल से थीटा का एंगल बनाएगी। अब ये थीटा निकालने के लिए हमको ट्रायंगल कंसीडर करना पड़ेगा ए जी डी। और यहां पर आप देख सकते हैं ट्रायंगल ए जी डी और ट्रायंगल बी एफ डी और ट्रायंगल सी ई डी तीनों सिमिलर ट्रायंगल है। तो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज लगा के हम बी एफ की वैल्यू भी निकाल देंगे और सी ई की भी वैल्यू निकाल देंगे। तो अब हम देखते हैं कि हमको थीटा की वैल्यू निकालना है और बी एफ और सी ई की वैल्यू निकालना है। और इसके बाद जैसे ही हमारे पास बी एफ की वैल्यू निकल जाएगी, हम इस ट्रायंगल बी एफ जी को कंसिडर करके ये ट्रायंगल अल्फा भी निकाल देंगे। तो आइए ये सारे पहले हम निकाल लेते हैं। चलिए कंसीडर कीजिए ट्रायंगल एडीजी, ट्रायंगल एफडीबी और ट्रायंगल सीडीई। एडीजी, एफडीबी, एफडीबी एंड सीडीई, अभी तीनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के हिसाब से एजी अपॉन डीजी इज इक्वल टू बीएफ अपॉन डीएफ इज इक्वल टू सीई अपॉन डीई, ये कांस्टेंट होता है। अब हमारे पास एजी की वैल्यू गिवन है 1.5 और DG की वैल्यू अगर आप तीनों को जोड़ देंगे तो 4.5 आ जाती है। तो 1.5 अपॉन 4.5। अब यहां हमको BF की वैल्यू नहीं पता है और CE की वैल्यू नहीं पता है, तो यहां से BF की और CE की वैल्यू आ जाएगी आपकी। यहां BF इज इक्वल टू 1.5 इंटू 3 अपॉन 4.5 इज इक्वल टू 1 मीटर और CE इज इक्वल टू 1.5 इंटू 1.5 अपॉन 4.5 दैट इज इक्वल टू 0.5 मीटर। अब आप बड़ा ट्रायंगल कंसीडर कीजिए ADG। ADG में tan थीटा की वैल्यू आएगी आपकी AG अपॉन DG। AG की वैल्यू गिवन है, DG की वैल्यू गिवन है, वैल्यू पुट कीजिए 1.5 अपॉन 4.5 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। तो थीटा आ गया आपका tan इनवर्स 1 अपॉन 3, इट इज इक्वल टू 18.435 डिग्री। अब ये जो 18.435 डिग्री है, यहां पर भी 18.435 डिग्री वैल्यू आ जाएगी, यहां 18.435 डिग्री वैल्यू आ जाएगी, यहां पर 18.435 डिग्री वैल्यू आ जाएगी, यहां पर भी आ जाएगी और यहां पर भी आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपके छह एंगल की वैल्यू जो कॉमन है थीटा, वो वैल्यू आ गई। अब आप आ जाइए इस वाले ट्रायंगल पे बी जी एफ। अब बी जी एफ में अभी आपने बी एफ की वैल्यू निकाल दी 1 और एफ जी की वैल्यू गिवन है 1.5। तो यहां आपका टेन अल्फा, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया। जी एफ या एफ जी अपॉन बी एफ इज इक्वल टू 1.5 अपॉन 1, यहां से आपकी अल्फा की वैल्यू आ गई टेन इनवर्स 1.5 दैट इज इक्वल टू 56.31 डिग्री। ये आपने 56.31 डिग्री यहां अल्फा की वैल्यू लगा दी। अब ये हॉरिजेंटल से एंगल अगर निकालना है तो 90 माइनस 56.31 डिग्री, ये आपका वैल्यू हॉरिजेंटल से आ गई इस पॉइंट की आपके जो बी जी फोर्स की 33.69 डिग्री। चलिए अब हम शुरुआत करेंगे पॉइंट डी से। लेकिन सबसे पहले अगर हम यहां पर फोर्स पहले ही समझ लें कि फोर्स का नेचर क्या रहेगा, किस मेंबर में कॉम्प्रेसिव रहेगा, किस मेंबर में टेंसाइल रहेगा, तो हमारे लिए थोड़ा सहूलियत हो जाएगी। तो आइए पहले हम निकालते हैं कि कौन कौन से मेंबर में
फोर्स का नेचर क्या रहेगा और जो जो नेचर हमको मिलता जाएगा वो हम अपनी फोर्स टेबल में एंट्री भी करते जाएंगे. इसलिए एंट्री करेंगे कि अगर कोई फोर्स नेगेटिव वैल्यू लेके आएगा तो हम टेबल में उसका नेचर चेंज कर पाए. तो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं पॉइंट डी को. तो डी पे आपको दिख रहे हैं कि तीन फोर्सेस आ रहे हैं. 500 न्यूटन का एक आ रहा है, एक डीसी का आ रहा है और डीई का आ रहा है. अब आप देख सकते हैं यहां पर जो आपका डीई फोर्स है, डीई फोर्स का कोई भी वर्टिकल कंपोनेंट नहीं बन रहा है. तो आपके जो 500 न्यूटन को बैलेंस करने के लिए, इसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, आपका जो सीडी फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट इसको बैलेंस कर सकता है. 500 न्यूटन का जो फोर्स है इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड है. इससे ये साबित होता है कि आपके सीडी फोर्स का डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड्स होना चाहिए. तो आप यहां लगा दीजिए वर्टिकली अपवर्ड का डायरेक्शन. तो यहां से हमको पता पड़ गया सीडी फोर्स का नेचर. सीडी फोर्स का नेचर रहेगा आपका टेंसाइल अवे फ्रॉम द जॉइंट. अब यहां नेचर में लिख दीजिए टेंसाइल. तो सीडी फोर्स हो गया आपका टेंसाइल. अब आ जाइए आप डीई फोर्स पर. अब डीई फोर्स का आप नेचर देखिए, 500 न्यूटन का कोई भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं बनना है. आपका डीई फोर्स को बैलेंस करने के लिए सिर्फ सीडी फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमको मिलेगा. अब सीडी फोर्स के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का नेचर है वेस्टवर्ड. ऑब्वियसली बात है कि डीई फोर्स का नेचर रहेगा ईस्टवर्ड. आप बना दीजिए डीई फोर्स का डायरेक्शन ईस्टवर्ड. डीई फोर्स का डायरेक्शन हमने ईस्टवर्ड बनाया तो हमें पता पड़ा कि ये जो फोर्स है अभी कंप्रेसिव नेचर का हो गया. आप फोर्स टेबल में एंट्री कर दीजिए डीई फोर्स के सामने कंप्रेसिव. अब आप आ जाइए पॉइंट ई पर जो कि जॉइंट है हमारा जॉइंट ई. अब जॉइंट ई पे आप देखेंगे कि हमारे पास तीन फोर्सेस हैं, एक डीई, एक एफई और एक आपका सीई. तीन फोर्सेस हैं. अब ईडी और एफई फोर्सेस दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, दोनों हॉरिजॉन्टल फोर्स है. इन दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट नहीं बनेगा. अब वर्टिकल कंपोनेंट नहीं बनेगा तो सीई फोर्स को बैलेंस करने के लिए कुछ भी हमारे पास वर्टिकल फोर्स नहीं है. इससे ये सिद्ध होता है कि आपका जो सीई फोर्स में जो भी फोर्स रहेगा वो जीरो रहेगा. तो इसको हम जीरो मार्क कर देते हैं. सी फोर्स में हमने जीरो मार्क कर दिया. अब आपके जो एफ ई फोर्स है और डीई फोर्स है ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो गए, या इक्वल एंड अपोजिट हो गए. तो जो डायरेक्शन डीई का रहेगा एफ ई फोर्स का डायरेक्शन उसके अपोजिट रहेगा. आप बना दीजिए एफ ई फोर्स का डायरेक्शन. ये हमने एफ ई को डीई के अपोजिट बनाया. इससे ये सिद्ध हुआ कि एफ ई फोर्स भी कंप्रेसिव है. टेबल में एंट्री कर दीजिए एफ ई फोर्स की कंप्रेसिव. अब आ जाइए आप जॉइंट सी पे. अब जॉइंट सी पे आप देखेंगे, जॉइंट सी पे हमारा एक वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स है 1000 न्यूटन का और सी डी का जो है डायरेक्शन वो भी वर्टिकली डाउनवर्ड से. तो इनको बैलेंस करने के लिए हमको अपवर्ड फोर्स चाहिए. अपवर्ड फोर्स हमको सी एफ और बी सी से मिल सकता है. तो हम सी एफ और बी सी फोर्स का जो है डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड रखेंगे. यहां से हमको पता पड़ता है कि बी सी फोर्स जो है वो टेंसाइल रहेगा और सी एफ फोर्स जो है वो कॉम्प्रेसिव रहेगा. फोर्स टेबल में एंट्री कर दीजिए बी सी फोर्स और सी एफ फोर्स की कॉम्प्रेसिव और टेंसाइल. ये फोर्स वैसे भी जीरो है तो इसका कोई भी नेचर नहीं रहेगा, ना कॉम्प्रेसिव ना टेंसाइल. अब आप आ जाइए जॉइंट एफ पे. अब जॉइंट एफ पे आप देखेंगे कि जी एफ को बैलेंस करने के लिए दो फोर्सेस हैं, एक तो ई एफ फोर्स और एक इसका सी एफ फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. लेकिन दोनों का ही डायरेक्शन वेस्टवर्ड है. ऑब्वियसली बात है कि जी एफ फोर्स को बैलेंस करने के लिए इसके अपोजिट होना पड़ेगा. तो हम यहां पर इसका फोर्स का नेचर ईस्टवर्ड बनाएंगे. तो जी एफ फोर्स ईस्टवर्ड बनने से हमको दिख रहा है कि ये जो है हमारा एरो के निशान टूवर्ड्स द जॉइंट है. इसका नेचर हो गया हमारा कंप्रेसिव. तो जी एफ में आप कंप्रेसिव का वो लगा दीजिए. अब आप बी एफ फोर्स का नेचर देखिए. बी एफ फोर्स को बैलेंस करने के लिए एफ ई फोर्स और जी एफ फोर्स दोनों हॉरिजॉन्टल फोर्स होने से इनका कोई भी वर्टिकल कंपोनेंट नहीं बनेगा. तो इसको बैलेंस करने के लिए सिर्फ हमारे पास सी एफ फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट है और सी एफ फोर्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसका डायरेक्शन है डाउनवर्ड. ऑब्वियसली बात है कि आपके बी एफ फोर्स को वर्टिकली अपवर्ड होना पड़ेगा. तो यहां हमने साइन लगा दिया बी एफ फोर्स में वर्टिकली अपवर्ड का. इससे ये सिद्ध हुआ कि अवे फ्रॉम द जॉइंट शो कर रहा है. आपका जो बी एफ फोर्स है आप टेंसाइल रहेगा. एंट्री कर दीजिए बी एफ फोर्स टेंसाइल की. अब आपके पास बचा जॉइंट बी. अब जॉइंट बी पे आप देख लीजिए. जॉइंट बी पे आप देखेंगे एक 1000 न्यूटन का फोर्स है, ये वर्टिकली डाउनवर्ड है और आपका जो बी एफ फोर्स है यहाँ पर वर्टिकली डाउनवर्ड है. तो इनको बैलेंस करने के लिए ये हमारे दो फोर्सेस को वर्टिकली अपवर्ड होना पड़ेगा. तो वर्टिकली अपवर्ड बना दीजिए दोनों फोर्सेस.
तो ये सारे फोर्सेस का नेचर पता पड़ गया। अब जी बीजी फोर्स जो है वो कंप्रेसिव है क्योंकि टुवर्ड्स द जॉइंट जा रहा है, तो बीजी फोर्स को कंप्रेसिव फीड कर दीजिए टेबल में, और ए बी फोर्स अवे फ्रॉम द जॉइंट है तो ये टेंसाइल हो गया, ए बी फोर्स को आप टेंसाइल फीड कर दीजिए टेबल में। अब हमको फोर्सेस का नेचर पता पड़ गया तो अब हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। इन फोर्सेस के नेचर के हिसाब से हम जॉइंट डी से शुरुआत करेंगे जो कि हमारा फ्री जॉइंट है। चलिए कंसीडर कीजिए जॉइंट डी को, यहां से आप प्रोजेक्ट कीजिए जॉइंट डी को। ये एंगल अभी हमने निकाला 18.435 डिग्री। ऑब्वियसली ये जो एंगल एफ सी डी और 500 न्यूटन के बीच में आएगा ये 90 माइनस 18.435 डिग्री आएगा, और ये जो एंगल आएगा आपका एक्सटीरियर एंगल यहाँ का ये आएगा 360 माइनस 90, दैट इज इक्वल टू 270 डिग्री। यहाँ पे ले आइए 500 अपॉन साइन 18.435 डिग्री, 500 के अपोजिट एंगल है साइन 18.435 डिग्री इज इक्वल टू माइनस एफ सी डी अपॉन साइन 270। माइनस इसलिए लगाया क्योंकि ये जो 500 और एफ डी ई है ये टूवर्ड्स द जॉइंट है, और आपका जॉइंट सी डी का जो एफ सी डी है वो आपका अवे फ्रॉम द जॉइंट है, इसको भी हमको टूवर्ड्स द जॉइंट बनाना पड़ेगा, इसलिए इसका साइन हम चेंज करेंगे। तो माइनस एफ सी डी अपॉन साइन 270 इज इक्वल टू एफ डी ई अपॉन साइन 90 माइनस 18.435 डिग्री। ये जो एंगल है आपका 90 माइनस 18.435 डिग्री, एफ डी ई के अपोजिट ये वाला एंगल आएगा। यहां से आप ले लीजिए 500 अपॉन साइन 18.435 डिग्री एज इट इज, यहां पर साइन 270 इज इक्वल टू होता है माइनस साइन 90 बिकॉज साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। यहां से आप दोनों आपके माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे, और यहां आप आ जाइए एफ डी ई अपॉन कॉस 18.435 डिग्री बिकॉज साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। यहां से आपको एफ सी डी की वैल्यू मिल जाएगी 500 अपॉन साइन 18.435 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 1581 किलो न्यूटन। 1581 किलो न्यूटन यहां पर फीड कर दीजिए और निकालिए एफ डी ई इज इक्वल टू 500 कॉस 18.435 अपॉन साइन 18.435 डिग्री, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए यहां से यहां पर, तो यहां से आपको एफ डी ई की वैल्यू आ जाएगी 1500 किलो न्यूटन। फीड कर दीजिए यहाँ पर 1500 किलो न्यूटन। आप देख सकते हैं आपके जो दोनों फोर्सेस है इसमें साइन हमारा नेगेटिव नहीं आया, तो जो हमने डायरेक्शन पहले निकाले थे वो एकदम सही है। ये 1581 टेंशन में रहेगा और 1500 कॉम्प्रेसिव रहेगा। सी ई की वैल्यू हमारी जीरो है। अब हम ई एफ की वैल्यू निकालेंगे। अब ई एफ की वैल्यू आप जॉइंट ई को कंसिडर कीजिए। जॉइंट ई पे आपका ये फोर्स जो है वर्टिकल फोर्स है वो जीरो है, और ई एफ डी ई के इक्वल एंड अपोजिट आएगा, तो ई एफ की वैल्यू डी ई के बराबर आएगी। आप ई एफ की वैल्यू लगा दीजिए 1500 जो कि डी ई के बराबर है। चलिए कंसीडर कीजिए जॉइंट सी को। जॉइंट सी यहां से आप यहां पर ट्रांसफॉर्म कीजिए, ये एंगल्स थीटा जो है यहां लगा दीजिए 18.435 डिग्री एंड 18.435 डिग्री 18.435 डिग्री, और ये 1000 किलो न्यूटन का लोड लगा दीजिए। अब सबसे पहले आप इसका हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम देखिए। हॉरिजेंटल में आप देख सकते हैं कि जो एफ बी सी का हॉरिजेंटल कंपोनेंट बनेगा आपका एफ बी सी कॉस 18.435 डिग्री, डायरेक्शन एज जैसा है उसी के अनुसार रहेगा। इसी तरह से एफ सी एफ का हॉरिजेंटल कंपोनेंट बनेगा आपका एफ सी एफ कॉस 18.435 डिग्री, और एफ सी डी का हॉरिजेंटल कंपोनेंट बनेगा आपका एफ सी डी कॉस 18.435 डिग्री। ई एफ और सी डी इन दोनों का डायरेक्शन वेस्टवर्ड है, और बी सी का डायरेक्शन जो है आपका ईस्टवर्ड है, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो आप लिख दीजिए एफ बी सी कॉस 18.435 डिग्री इज इक्वल टू एफ सी एफ कॉस 18.435 डिग्री प्लस एफ सी डी कॉस 18.435 डिग्री। दोनों तरफ कॉस 18.435 डिग्री कॉमन निकाल दीजिए, वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास रिजल्ट बचेगा एफ बी सी इज इक्वल टू एफ सी एफ प्लस एफ सी डी। एफ सी डी की वैल्यू हमारे पास जॉइंट डी में से निकल के आई है, वो हमने यहाँ पर पुट कर दीजिए 1581, तो आपका ये एफ बी सी इज इक्वल हो गया एफ सी एफ प्लस 1581। इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर वन का। अब आप देखिए वर्टिकल इक्विलिब्रियम जॉइंट सी पे, वर्टिकल इक्विलिब्रियम में आपका 1000 न्यूटन का जो है लोड है वो वर्टिकली डाउनवर्ड से आप यहाँ लगा सकते हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड 1000 न्यूटन। एफ बी सी जो है आपका वर्टिकली अपवर्ड है, तो एफ बी सी का जो वर्टिकली अपवर्ड है उसका वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा आपका एफ बी सी साइन 18.435 डिग्री। इसी तरह से आप देखेंगे एफ सी एफ है ये भी वर्टिकली अपवर्ड है, तो आप इसका वर्टिकल कंपोनेंट आपका वर्टिकली अपवर्ड आएगा एफ सी एफ साइन 18.435 डिग्री। एफ सी डी वर्टिकली डाउनवर्ड है तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा एफ सी डी साइन 18.435 डिग्री।
दो फोर्सेस वर्टिकली डाउनवर्ड हैं, दो फोर्सेस वर्टिकली अपवर्ड हैं, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे. आप आ जाइए यहाँ पर, लिखिए एफ सी एफ साइन 18.435 डिग्री प्लस एफ बी सी साइन 18.435 डिग्री इज इक्वल टू 1000 प्लस एफ सी डी साइन 18.435 डिग्री. एफ सी डी की वैल्यू हमारे पास है 1581, यहाँ पुट कर दीजिए 1000 प्लस 1581 साइन 18.435 डिग्री, ये आपका वैल्यू आ जाएगा 1500. और साइन 18.435 डिग्री की वैल्यू होती है 0.316, या साइन 18.435 डिग्री की वैल्यू पुट कर दीजिए 0.316, तो आपका एक इक्वेशन बन जाएगा 0.316 FCF प्लस 0.316 FBC इज इक्वल टू 1500. अब यहां पर FBC की जो वैल्यू आई FCF प्लस 1581 ये यहां पर पुट कर दीजिए, तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगा 0.316 FCF प्लस 0.316 इनटू ब्रैकेट FCF प्लस 1581 जो कि FBC की वैल्यू है, दैट इज इक्वल टू 1500. ये ब्रैकेट खोल दीजिए तो आपको मिलेगा 0.316 FCF प्लस 0.316 FCF प्लस 0.316 इनटू 1581. यहां से आप इन दोनों को लाइक टर्म्स को जोड़ दीजिए 0.632 FCF और 0.316 इनटू 1581 की वैल्यू आती है आपकी 500. इसको आप राइट हैंड साइड ले जाइए तो 1500 माइनस 500 इज इक्वल टू 1000. यहां से आपको FCF की वैल्यू मिल जाएगी 1000 अपॉन 0.632, ये वैल्यू आ गया कि 1582. फीड कर दीजिए यहां पर CF की वैल्यू 1582 और FBC की वैल्यू आपको इक्वेशन नंबर 1 से मिल जाएगी. यहां पर FCF की वैल्यू पुट करेंगे आप 1582 प्लस 1581 दैट इज इक्वल टू 3163 BC की वैल्यू पुट कर दीजिए. दोनों रिजल्ट आप फिर से देख सकते हैं पॉजिटिव आए, यानी हमने जो डायरेक्शन निकाले हैं वो अभी तक सही जा रहे हैं. ये आपका टेंसाइल रहेगा और ये आपका कॉम्प्रेसिव रहेगा. बाकी अब हमको तीन फोर्सेस और निकालने, इसके लिए हम जॉइंट कंसीडर करेंगे, पहले जॉइंट एफ और उसके बाद जॉइंट बी, हमारे बाकी सारे फोर्सेस निकल जाएंगे. कंसीडर कीजिए जॉइंट एफ को. अब जॉइंट एफ पे आप देखेंगे कि ये जो एंगल है थीटा, ये भी थीटा रहेगा एंगल, बिकॉज ये आपका एक ट्रांसवर्सल है दो पैरेलल लाइन के बीच में, एक ये पैरेलल लाइन और ये पैरेलल लाइन, तो ये थीटा है अगर, तो ये भी थीटा रहेगा. चार फोर्सेस आ रहे हैं आपके पास, एक तो एफ बी एफ, एक एफ सी एफ, एक एफ ई एफ और एक एफ एफ जी. एफ सी एफ की वैल्यू हमें पता है 1582 टेबल में से, और एफ ई एफ की भी वैल्यू हमें पता है 1500, ये भी हमने टेबल में से निकाली. अब ये वैल्यू पुट कर दीजिए और वर्टिकल इक्विलिब्रियम देखिए. समेशन वी इज इक्वल टू जीरो में आपका आएगा एफ बी एफ वर्टिकली अपवर्ड है और एफ सी एफ वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो दोनों एक दूसरे को इक्वेट कर सकते हैं. तो एफ बी एफ इज इक्वल टू 1582 साइन 18.435 डिग्री. इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 500. ये 500 वैल्यू यहाँ फीड कर दीजिए टेबल में, ये 500 वैल्यू फीड हो गई. अब आप इसका हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम देखिए. हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में एक तो आपका फोर्स एफ एफ जी है और इसके अपोजिट में एक एफ ई एफ है, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एफ सी एफ का. तीनों ले लीजिए, एफ एफ जी इज इक्वल टू 1582 cos 18.435 डिग्री प्लस 1500. आप डायरेक्शन देख सकते हैं, एफ ई एफ का ई एफ का वेस्टवर्ड है और जबकि एफ एफ जी का ईस्टवर्ड है, तो दोनों एक दूसरे को इक्वेट करते हैं. एफ एफ जी और इन दोनों का समेशन आपस में इक्वेट करें, यहां से आपको एफ एफ जी की वैल्यू मिल जाती है 3000 न्यूटन. आप फिट कर दीजिए एफ एफ जी की वैल्यू 3000 न्यूटन. अब हमारे पास बाकी दो फोर्सेस बचे हैं, दो मेंबर बचे हैं बी एफ और आपका बी जी. इसको हम जॉइंट बी से सॉल्व करेंगे. चलिए कंसीडर कीजिए जॉइंट बी को. यहां से जॉइंट बी को यहां ट्रांसपोज कीजिए और यहां इसका बना दीजिए. देखिए आपके पास एफ बी सी आ रहा है और एफ ए बी ये आ रहा है, एक एफ बी एफ ये आ रहा है और एफ बी जी आपका ये आ रहा है. इस प्रकार से आपके पास ए और 1000 न्यूटन ये लोड है, तो इस प्रकार से आपके पास एक दो तीन चार पाँच पाँच लोड आ रहे हैं, और पाँच लोड में इन तीनों के जो है वर्टिकल कंपोनेंट भी बनेंगे और हॉरिजेंटल कंपोनेंट भी बनेंगे. तो सबसे पहले हम इसको रिजॉल्व करते हैं हॉरिजेंटली. हॉरिजॉन्टल रिजॉल्व में आप देखिए कि आपके पास एफ ए बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा एफ ए बी कॉस 18.435 डिग्री. इसका डायरेक्शन आप देख लीजिए वेस्टवर्ड आएगा. इसी तरह से एफ बी सी का जो है वैल्यू है 3163, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा 3163 कॉस 18.435 डिग्री. आप और डायरेक्शन आपका इसका रहेगा ईस्टवर्ड. और बी जी फोर्स का देखिए, इसका जो
हॉरिजॉन्टल से एंगल है 33.69 डिग्री है बिकॉज 56.31 डिग्री है इसका एंगल निकला था और ये आएगा 90 माइनस 56.31 डिग्री तो ये आपका आ गया 33.69 डिग्री. इसका आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा एफ बी जी कॉस 33.69 डिग्री. इसका डायरेक्शन भी आपका जो है ईस्टवर्ड है तो ये दो फोर्सेस ईस्टवर्ड है और एक फोर्स है वेस्टवर्ड. ये दोनों एक दूसरे को इक्वेट करेंगे. इक्वेट कीजिए एफ ए बी कॉस 18.435 डिग्री इज इक्वल टू एफ बी जी कॉस 33.69 डिग्री प्लस 3163 कॉस 18.435 डिग्री. वैल्यू पुट कीजिए कॉस 18.435 की वैल्यू आती है 0.948 यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए. इसी तरह से कॉस 33.69 की वैल्यू आएगी 0.838 ये वैल्यू पुट कर दीजिए. ये वाला फैक्टर 3000 बनेगा आप सॉल्व करके देख लेंगे. अब ये पूरे एक्सप्रेशन को आप 3 से डिवाइड कर दीजिए. 3 से डिवाइड करने के बाद आपके पास एक्सप्रेशन इस फॉर्म में आएगा 0.316 एफ ए बी इज इक्वल टू 0.28 एफ बी जी प्लस 1000 इज इक्वल टू 1. अब इसी जॉइंट पे आप वर्टिकली रिजॉल्व कीजिए सारे फोर्सेस को तो आप पाएंगे कि एक 1000 न्यूटन का फोर्स है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है. एफ बी एफ का फोर्स है वो भी वर्टिकली डाउनवर्ड है. आपके ये जो एफ बी सी का जो वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा वो भी वर्टिकली डाउनवर्ड बनेगा आपका 3163 साइन 18.435 डिग्री तो तीन वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स बन गए. एफ बी जी साइन 33.69 डिग्री ये वर्टिकली अपवर्ड बनेगा एफ बी जी साइन 33.69 डिग्री. इसी तरह से एफ ए बी का भी जो कंपोनेंट बनेगा वर्टिकली अपवर्ड बनेगा तो एफ ए बी साइन 18.435 डिग्री. अब इसको रिजॉल्व कर लिया हमने वर्टिकली. अब वर्टिकल में आप देखेंगे कि ये जो तीन फोर्सेस हैं और ये इन दोनों फोर्सेस को इक्वेट कर रहे हैं तो ये तीन फोर्सेस एक तरफ ले लीजिए और ये दो फोर्सेस एक तरफ ले लीजिए. एफ ए बी साइन 18.435 डिग्री प्लस एफ बी जी साइन 33.69 डिग्री यहां से दो फोर्स हमने यहां ले लिए. डेट शुड बी इक्वल टू 1000 प्लस एफ बी एफ प्लस 3163 साइन 18.435 डिग्री. यहां पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए साइन 18.435 की 0.316 और एफ बी जी साइन 33.69 डिग्री को सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.546 एफ बी जी 1000 एज इट इज रखिए. एफ बी एफ की वैल्यू यहां से ले लीजिए आप 500 और 3163 साइन 18.435 की वैल्यू आएगी 1000. ये सारा आपका टोटल हो जाएगा 2500. इसको आप इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दीजिए. अब आप इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 में से सब्सट्रैक्ट कर दीजिए. ये आपका इक्वेशन नंबर 2 ये यहां से लिया और इक्वेशन नंबर हमने 1 यहां से ले लिया 0.316 एफ ए बी और 0.28 एफ बी जी इस तरफ चला जाएगा तो माइनस 0.28 एफ बी जी इज इक्वल टू 1000. इक्वेशन में माइनस में अपन साइन चेंज करते हैं यहाँ माइनस माइनस का प्लस और ये प्लस का माइनस. यहाँ से आपका ये दोनों आपस पे क्रॉस हो गए. ये 0.546 और 0.28 मिलके बन गए 0.826 एफ बी जी और 2500 माइनस 1000 ये आपका हो गया 1500. नाउ एफ बी जी की वैल्यू निकाल दीजिए यहाँ से 1500 डिवाइडेड बाई 0.826 इज इक्वल टू 1816. ये 1816 यहाँ पर फीड कर दीजिए. अब इस वैल्यू को एफ बी जी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में फीड कर दीजिए 0.316 एफ ए बी इज इक्वल टू 0.28 एफ बी जी. एफ बी जी के जगह 1816 डाल दीजिए और प्लस 1000 यहां से ले लीजिए. यहां से आपको एफ ए बी की वैल्यू आ जाएगी 1508 अपॉन 0.316 दैट इज इक्वल टू 4772. वैल्यू पुट कर दीजिए 4772 ये 1508 ये आएगा आपका. इसको सॉल्व करने के बाद 0.28 इनटू 18 16 इज इक्वल टू 508 प्लस 1000 ये 1508 आ गया और इसको डिवाइड कीजिएगा 0.316 यू विल गेट द आंसर. ये फीड कर दीजिए. तो बच्चों आपने देखा कि हम लोगों ने किस प्रकार से कैंटिलीवर ट्रस था कैंटिलीवर ट्रस के सारे जॉइंट्स को हमने सॉल्व कर लिया और सारे मेंबर्स में फोर्सेस निकाल दिया. तो मेरी आपसे यही सलाह है कि आप ट्रस का फिगर देख के घबराइए मत. आप लॉजिकल सीक्वेंस लेंगे किसी भी ट्रस को और आपको उसको लॉजिकली सॉल्व करेंगे तो किसी भी प्रकार का ट्रस आपके सामने आ जाएगा तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं. तो अभी तक तो हमारे जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे हम लोग वो मेथड ऑफ जॉइंट से सॉल्व कर रहे थे. अब हम अपने अगले लेक्चर में मेथड ऑफ सेक्शन स्टार्ट करेंगे. तो मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में एक नई प्रॉब्लम के साथ. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.